हेलो दोस्तों, कैसे जैसे हो, बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं नई वीडियो लेके, और भैया इस बार आ चुके हैं हम मिलिट्री बेस और 1v4 का गेम प्ले अगेन। ये तो अभी यार 2 किल हो चुके हैं, लेकिन यार वो नहीं दिखा सकता मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी ऑन करी है, जब याद नहीं थी कि भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अब बस देखते जाओ तुम, और लूट वूट थोड़ी और मैं कर लूँगा, क्योंकि अभी मतलब इतनी अच्छी खास कोई लूट नहीं है, तो करते हैं। और क्योंकि यार डीपी है एक, और क्लोज रेंज में डीपी इतनी अच्छी नहीं है, कोई अगर और गन हो तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी मैं इतनी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि 1v4 अगेन यार, एक को मारूंगा दूसरा पेल देगा। तो थोड़े ध्यान से खेल रहे हैं हम, तो चलो भाई थोड़ी लूटपाट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे M4 मिल चुकी है, लेकिन उस पर मेरे को इतना भरोसा नहीं है क्लोज रेंज फाइट्स में। और जब बात हो कि आपको यार ज़्यादा मतलब क्लच वगैरह करने, तो M4 मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट गन है। और DP वगैरह भी मैं रिलोड कर लेता हूँ, और अब मैं मतलब तैयार सा हूँ। M4 मतलब कुछ तो कर ही लेगी क्लोज रेंज में, खैर बिल्कुल तो बेकार है नहीं। तो अब देखो साइड वाली बिल्डिंग में बंदे, फर्स्ट वाली में, तो उसमें मैं रश करने की सोचता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई वो ही रश कर दें इससे पहले कि मैं उन पर रश करूँ, नहीं तो ऐसा होता है ना भाई, अगर मान लो 4 बंदे एक कमरे में, तुम बीच में चले जाओगे तो क्या होगा, ठीक है, क्रिएटिव बनना तुम्हारा। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि वो आएँ, और मैं मतलब 4 तो नहीं, लेकिन ये 2-3 बंदे हैं अभी पता चलेगा तुम्हें। और यहाँ पर मैं वेट करने लगता हूँ, टीवी पे लेने लगता हूँ, और जैसे वो बंदे आते हैं फिर भैया उन्हें हम पेलते हैं। तो आने दो बस उसे, तो इस बंदे को नहीं पता था मैं यहाँ पे पोजीशन लेकर रेडी हूँ, और मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा हिट करता हूँ। और ये यार इसलिए मुझे M4 इतनी पसंद नहीं है, यहाँ पे अगर एक ही होती तो बंदा पहले ही नॉक हो जाता, तो ये भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसका जो टीममेट था तीसरा वाला, उसे किसी और ने मारा है, क्योंकि मैंने इन दोनों को नॉक किया और एकदम से धुआं हो गया। इसका मतलब इनका तीसरा जो पार्टनर है वो किसी और ने पेल दिया, तो इसका मतलब और बंदे भी हैं यहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे को बैरल मिल चुकी है, जो कि अब मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भैया कुछ तो होगा क्लोज रेंज में। तो क्योंकि यार 7.62 अगेन यार हैवी मतलब बुलेट्स हैं, और तकड़ी बुलेट्स हैं मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे हिट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा तेज है और ये कमरे में बढ़ जाता है जल्दी से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आराम से खड़ा होने के लिए, और फिर वो यही करने की सोचता है, और फिर जैसे मैं ऊपर जाता हूँ फिर से भाग जाता है। तो भैया दिमाग में दर्द हो चुका है, तो अब जाते हैं हम दूसरी तरफ से, रोटेशन कर देते हैं पूरे, और पीछे से आके खड़े हो जाते हैं, टीपी लेने लगते हैं। तो उस बंदे को इतना आइडिया नहीं था मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, तो अब वो क्या करेगा कि उसको नहीं पता लिटरली कि मेरे को साउंड आ जाएगी हर चीज़ की। तो मेरे को साउंड आ गई कि वो इस कोने में, और मैं फ्री फायर के साथ घुस गया। तो फ्री फायर के साथ घुसा हूँ, तो अगर मान लो वो मेरे पर गोली भी चलाता तो उसे इतना एक गोली लगती मेरे में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्री फायर करके घुसा हूँ तो मेरे को फ़ायदा था। तो यहाँ पर मेरे पास अच्छी खासी लूट हो चुकी है, और बैरल मेरे को मिल ही चुका है जैसा कि तुम देख सकते होंगे, तो अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, स्कोप वगैरह भी हैं ठीक ठाक। तो चलते हैं भाई आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप लूटने आया था, लेकिन एक बंदा अकेला आ रहा था गाड़ी से। तो कहीं ऐसा कभी मत करो यार, अपनी टीम से अलग मत रहो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। तुम्हें जो बंदा मतलब मारेगा वो मार ही जाएगा। और ये बंदा शायद सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, क्योंकि भैया जी फैल गए सीधा एक गोली में, नॉक करने के बाद मुझे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अब बैकपैक वैकपैक मिल चुका है तकड़ा, ओग भी मिल चुकी है मुझे। और तुम क्या होगा भाई, M762 की फेंक दी, 5.56 तो बेकार है, 7.62 अच्छी है। तो ऐसा नहीं है यार, क्योंकि ओग भी काफ़ी अच्छी गन है यार, डैमेज वाइज थोड़ा बहुत ही अंतर है इनमें। लेकिन हाँ, कई बार हो जाता है कि AK वगैरह जो है ना वो जान बचा लेती हैं। और वैसे भी यहाँ पर मैं DP मतलब फेंक दूंगा, मैं दूसरी गन ले लूँगा, क्योंकि DP मैं नहीं चला रहा, अब ओग हो जाएगी मेरी, DP वाला काम करेगी, और जो भी मतलब क्लोज रेंज के लिए मैं कोई और सी तगड़ी सी गन ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि यार वो वाली थी ग्लिच, लेकिन मैं इस चक्कर में ये भूल जाता हूँ कि इसमें पेट्रोल ही नहीं है। तो जैसे तैसे हम कोचिंग के आ चुके हैं, और सामने भैया घर में बंदे हैं, तो अब ओ गए मेरे पास, और इसलिए मैं 7.62 क्लोज के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मिली नहीं है, बाद में मैं ले लूँगा, मैं ग्रोज़ा मिल जाएगी मुझे, लेकिन अभी नहीं है। तो यार इससे काम चलाना पड़ रहा है, और अभी देखना तुम कैसे दिक्कत होगी। तो यहाँ पर तो ये चीज़ मतलब परफेक्ट है यार, ओ 6x और स्प्रे के लिए मतलब परफेक्ट है मिड रेंज के लिए, लेकिन क्लोज रेंज के लिए हल्की सी मार खा जाती है। तो ऊपर भैया एक बंदा है, इसके लिए मैं रुकता भी हूँ कि नीचे कूदे, क्योंकि मैं ज़्यादातर कूद जाता हूँ ऐसे, तो मुझे लगा भाई ये भी कूदा करेंगे, नहीं नहीं कूदा। तो अभी ये बंदा भैया नीचे आ चुका है सीढ़ियों से, और यहाँ पर देखो गाइज मैं गलती कर देता हूँ कि मेरे मतलब बंदूक में ज़्यादा गोलियाँ होती नहीं और दिक्कत हो जाती है। तो यार इसलिए मैं 2 गन यूज़ करता हूँ। देखो अब मान लो मेरे पे एक AWM होती तो क्या मैं इसे मार पाता, तुम खुद बताना नीचे कमेंट करके कि भाई मैं अगर मेरे पे यहाँ पे DP की जगह AWM होती, क्या ये बंदा मतलब मर जाता मेरे हाथों, या फिर मैं इसके हाथों मरता, बताना नीचे कमेंट करके ज़रूर। तो अब ड्रॉप आ चुकी है, तो अब ड्रॉप लूटने जा रहे हैं हम, लेकिन बीच में मुझे 2 नमूने पड़े मिलते हैं, तो भैया इनको भी खाते हैं। ये हीलिंग वीलिंग कर रहे थे कहीं, पता नहीं जोन से आए या क्या सीन था इनका, या फिर पीछे से इन पर स्प्रे हुआ तकड़े वाला, और काफ़ी लो भी थे, आसानी से मर गए, और बीच में लेट के मतलब हील करने लगे। यार ऐसा मत
करो, अगर मान लो तुम्हारी हेल्थ लो है और तुम्हें मतलब हीलिंग करनी है तो क्या करो कि कहीं पे कवर सा ले लो अच्छा सा, वहाँ पे जाके हीलिंग करो। अब बताओ ऐसा सीन हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, और मैं खुद भैया शिकार हो चुका हूँ इन चीज़ों का, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब इनको मैं पूरा फिनिश करने की कोशिश करूँगा और लूट वूट करने की कोशिश करेंगे इनसे भी, क्योंकि भैया लूट तो जितनी हो उतनी कम है, मतलब जितनी भी कर लो, और का वही रहता है लालच के भाई कुछ और ही मिल जाए बढ़िया। तो यहाँ मैं AKM ले चुका हूँ जैसा कि तुम देख रहे होंगे, तो वो मैं इसलिए लिया है क्योंकि भाई क्लोज रेंज में ना पंगा है थोड़ा, 5.56 के साथ मैं इतना भरोसा नहीं करता 5.56 पर क्लोज रेंज में। अगर थोड़े मिड रेंज में हो, बिल्कुल ही क्लोज ना हो तो सही है, लेकिन अगर बिल्कुल क्लोज है ना फेस टू फेस, तुम मतलब एक मीटर का डिस्टेंस है तुम में और बंदे में, तो भैया 7.62 रखोगे तो थोड़ी लीड मिल जाएगी तुम्हें। तो अब यहाँ पे ड्रॉप आ चुके, तो इसे लूटना है भैया। अगेन वही बात कि भाई बिना लूटे रह ही नहीं जाता यार, जहाँ लूटे मिलते हैं मन करता है और लूट लो। तो यहाँ मैं जल्दी से इस ड्रॉप को लूट के इसे बेट करने लगता हूँ, मतलब बेट का इसको कैंप कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई नमूना जरूर आएगा भाई ड्रॉप लूटने, और मैं जल्दी आ गया था इस वजह से मैं लूट के पीछे आ गया, मतलब अभी गिरी है ड्रॉप, तो ये ऐसे तो है नहीं भाई पहले कोई चेक करके चला गया। तो अब बंदा आ चुका है, मेरे को फुटस्टेप आ चुके हैं और वो गिली सूट में हो तो उसको हम पे लेंगे। तो गाइज अगेन वही गलती कर रहा है कि भाई ऐसा मत आओ यार, तुम अपनी टीम के साथ क्यों नहीं आ सकते मतलब, और जरूरी है इस पर तो गिली सूट भी था, इसका मतलब पहले से इस पर लूट अच्छी खासी होगी, लेकिन वही बात है इसकी भी कि जितनी हो लूट उतनी कम है। तो बताना यार तुम्हें भी, तुम्हारा भी मन करता है ऐसा कि और लूट ले लो। तो इसको दूसरी तरफ से कोई AWM मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ये इधर आ गया और मैंने इसको मार दिया। तो ये भी बंदा सही था, ये सोच रहा था कि इसको ही किल दूँ जिसने मेरे को नॉक किया है, दूसरा वाला चुराएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मेरे को किल मिल चुका है इसका, और अब सामने कुछ बंदे हैं, तो मैं सोचता हूँ यार जोन में आकर यहाँ पे मतलब कवर बना लूँ गाड़ी का जिससे दिक्कत ना हो। तो भैया मैं कवर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, लेकिन भैया सामने से पड़ने लगते हैं बहुत तेज़ तेज़। तो देखो तो अभी तो स्नाइपर यूज़ हो रही है उन पे, लेकिन थोड़ी देर में स्प्रे चालू हो जाएगा। तो देख रहे हो जैसे कि तुम ग्रोजा का स्प्रे हो रहा है भैया मेरे पे, और वो बंदे में इतनी अकल नहीं है कि भाई ग्रोजा से इतनी दूर स्प्रे नहीं किया करते। तुम ओग रख सकते हो, कोई दूसरी गन हो, या फिर स्नाइपर यूज़ कर लेता भाई, ग्रोजा नहीं होती इतनी दूर यूज़। चलो कोई बात नहीं, पर और उसके और भी टीममेट्स हैं जो कि फटाफट मेरे पर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी बीच बीच में कवर लेके उनकी तरफ रश कर रहा हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि भाई रश क्यों कर रहा है, मतलब दो तीन बंदे हैं फिर भी तू रश कर रहा है। तो यार इसका यही सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे कितनी सी जोन है तुम खुद देख लो, और जितने ज़्यादा बंदे होंगे मेरे को चाहिए चिकन डिनर कुछ भी करके। तो अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर देते तो क्या होता कि और छोटी जोन होती, ये भी बचे रहते, पीछे वाले भी आ जाते और फिर मैं ही मरता, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मार दूँ, और अब मैंने एक को नोक तो कर ही रखा था तो इसका फायदा हुआ, और इस वजह से मैंने थोड़ा क्लोज इन कर दिया। तो मैं इसे मार के इधर आ जाता हूँ और दूसरे वाले बंदे को फिर इधर से मारूंगा, फिर दूसरे को इधर से मारूंगा। तो मैं गोल गोल घूम के आया, और यही तुम मतलब यूज़ करके देखना का भी बहुत तगड़े वाले ट्रिक है। तो वो बंदा सोचता मैं उधर से आऊँगा लेकिन मैं इधर से आ जाता हूँ, तो ये बहुत सही चीज़ है कि तुम एक बार उधर से आओ इधर से आओ। तो ये अगर कहीं बीच में ऐसा कभी सिचुएशन हो तो कहीं जरूर ट्राई करना, तुम जरूर जीतोगे, ठीक है। क्योंकि बंदा जैसे मान लो तुमने कहीं से पीक किया है और फिर बंदा क्या करता है वहीं पे एम लगा के बैठ जाता है, और उसे रहता है अंदाजा कि वो यहीं से जाकेगा, लेकिन आप तो अगर दूर से आ जाओगे तो उसका एम वहाँ रहेगा, इतनी जल्दी कोई एडजस्ट कर नहीं पाता, और भाई इतना में तुम फेल दोगे। तो हाँ मैं ओग ले लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे लगा कि AWM गलत चॉइस है, बहुत ही छोटी जोन रह गई है और स्नाइपिंग तो ना के बराबर ही होगी। लेकिन भैया इसका फ़ायदा दूसरे वाले बंदे उठा रहे थे, अब वो ज़्यादा टीममेट्स हैं यार, तो अगेन उन पे चॉइस है कि एक स्नाइपर रख लेगा एक स्प्रे की गन, लेकिन मैं अकेला हूँ तो मेरे को सब कुछ करना है, तो इसलिए मैं AWM भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ कि भैया मेरे को चाहिए किल, तो दूसरे वाले बंदे जो हैं उन्हें नहीं पता मैं लिटरली आऊँ, तो मैं थोड़ा स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भैया वो भाग जाता है। अब भाग जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा ग्रोजा से मारने की कोशिश करता हूँ कि भैया लग जाए, लेकिन यार ग्रोजा वहाँ तक नहीं जाती, अगेन बहुत मिस्टेक होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अब जो दूसरा वाला बंदा जो गाड़ी घुमा रहा था वो दूसरी तरफ है, और ये दो बंदे अलग टीम के हैं, तो अब मुझे भैया दोनों को मारना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम देखो क्या सीन होगा, ठीक है। तो अभी वो बंदे क्या करेंगे, जोन में जाने की कोशिश करेंगे, मैं तो ऑलरेडी जोन में हूँ तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्री फायरिंग और करूँगा और उस बंदे को नॉक कर दूंगा। तो ये बंदा हो चुका है नोक, तो अब मेरे पास एडवांटेज है कि मैं जाके सीधा रश कर दूं, क्योंकि अगर देखो भाई रिवाइव तो ऑब्वियसली बात है वो हो ही जाएगा, लेकिन हेल्थ वगैरह इतनी नहीं कर पाएगा, वो कर भी ली तो 70% ही कर पाएगा, वो जो बूस्ट से करते हैं शायद ही वो कर पाएगा, भाई ज़्यादा लकी आदमी होगा तो कर लेगा मेडिकेट लगा के। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा नेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लो टोस पर था मेरा ध्यान नहीं था, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने यहाँ पे जैसा कहता वैसे फेंक दिया, तो मुझे हल्का सा दिख चुका था ये थोड़ा शेडो सीज की। और अब दूसरा बंदा जो था इसने मार दिया दूसरे वाले को जो गाड़ी वाला था, तो अब ये अकेला बचा, ये जोन में जाने की कोशिश थी और इसको नहीं पता था
रोटेशन मार के आ गए हूँ पीछे से और हमने इसे ख़त्म कर दिया। तो बताओ यार कैसा लगा गेम प्ले, और मजा आया तो जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर कर सकते हो, तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को जो नए बंदे हो, बेल आइकन जरूर दबाना। तो गाइस मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।